जिला कारागार में बंदियों के बीच शतरंज की प्रतियोगिता करवाई गई, जिसके संबंध में जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डीके पांडे ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जेल में बंदियों के बीच शतरंज प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें 24 बंदियों ने भाग लिया और फाइनल करवाया गया, जिसमें बंदी आदित्य पांडे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही जेल में लंबी कूद रंगोली की प्रतियोगिता करवाया गया और निबंध प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले बंदियों को प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, जिसकी सूची मुख्यालय को भेज दी गई है। इन सभी बंदियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेल में प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डीके पांडे ने कहा, हां, अभी आजादी के अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में बंदियों के बीच में शतरंज प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें 24 बंदियों ने भाग लिया। आज उसका फाइनल कराया गया, जिसमें आदित्य पांडे बंदी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या सर, इसमें और भी लोगों ने भाग लिया? हाँ, और 24 बंदियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त लंबी कूद, बालीबाल आदि प्रतियोगिताएँ कराई गई हैं। महिला बंदियों में रंगोली कराई गई, उसमें भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान का निर्धारण किया गया। उनको सर सम्मानित भी किया जाएगा? उनको 15 अगस्त के अवसर पर प्रमाण पत्र और इनाम स्वरूप गिफ्ट दे करके सम्मानित किया जाएगा। सर, बताया जा रहा है कि प्रदेश लेवल तक चुने जाएंगे। निबंध प्रतियोगिता कराई गई कल दिनांक 11/8 को सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा विषय पर, उसमें कारागार पर प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले बंदियों की सूची और निबंध की छायाप्रति मुख्यालय कारागार पर प्रसिद्ध की गई है। पूरे प्रदेश से आने वाले प्रतियों में से 3 प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय चयनित करके वहाँ से किया जाएगा प्रदेश स्तर पे, और कारागार पे 3 लोगों को चयनित किया गया, उनको हमारे द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।